मैजिक वर्ड्स 2014 में आई ये बुक मैजिक वर्ड्स उन 7 वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमें हमारे एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है और इस बुक की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए इन मैजिक वर्ड्स का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम मैजिक वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक टिम डेविड हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। आखिर ये मैजिक वर्ड्स होते क्या है? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिक वर्ड्स पूरी तरह से अलग होते हैं। मैजिक वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिक वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये चीज हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिक वर्ड्स की मदद से कर सकते हैं। मैजिक वर्ड्स की मदद से आप खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीजें कंसिडर करनी होती हैं। अल्बर्ट मेहराबियन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। और मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करना जरूरी हो जाता है। पार्ट 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड इज यस एंड द बैड वन इज नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज करते हैं? यह बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसा सवाल कीजिए कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम जरूर करेगा। और आपके सफल होने के चांसेस तब और बढ़ जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से अपना जरूरी काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सेल्स पर्सन की सेल्स 18% से 32% तक जम कर जाती है जब वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात पर एग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टैक्टिक है जो यस सुनने के जितना ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है नो न सुनना। हमेशा यस मोड में रहिए, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे कि फियर, कॉशन और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन नॉट टू बी कंसर्न, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर्स में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। और हाँ, यस का ज्यादा यूज भी ना कीजिए। याद रहे कि यह वर्ड बहुत पावरफुल है और इसका यूज समझदारी से कीजिए। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नाम का यूज करिए, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि लेकिन जैसे वर्ड का यूज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। वहां पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर आपका कोई नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए आपका ध्यान उसकी ओर जरूर जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही उसकी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नाम एक बहुत अच्छा मैजिक वर्ड है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उनका नाम लेकर उनका ध्यान अपनी ओर कीजिए और फिर अपनी बात कहिए। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट फील होता है। शायद इसलिए ही यह साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रिफर करता है, और अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रिफर करता है। नाम के पावर की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज्यादा हैं।
एक और मैजिक वर्ड है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, वो है बट, यानी कि लेकिन। इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसकी मदद से आप अपनी पहले कही हुई बात की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज करने से उस बात को कहे जो आप कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाना चाहता है, तो वो पहले उसे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट्स का ध्यान किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। पार्ट टू, बिकॉज एंड इफ आर द बेस्ट मोटिवेटर। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीजन बता देंगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिक वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज करना चाहते थे, और ऐसा करते समय वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज किया तो वो 93 टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज करने के बाद वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीजन ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे। एक और मैजिक वर्ड है इफ, यानी कि अगर। ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने के लिए मजबूर करता है। मैथ्यू क्रॉफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को दो सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बेट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने यह बोला कि मैं तो पहली टीम पर बेट करूंगा, तो बाकी के 76.5% पार्टिसिपेंट्स ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बेट किया। लेकिन अगर उसी रिसर्चर ने बेट करते टाइम ये बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर बेट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा, ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट्स ने अपना डिसीजन बदल दिया। तो मतलब साफ है, आप भी इफ वर्ड का यूज लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता, तो सिर्फ इतना न कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या क्या कर सकते हो, ये सोचो। पार्ट थ्री, द टू मोर मैजिक वर्ड, हेल्प एंड थैंक्स। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफी मदद करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल को हाई कर सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंट फील होता है और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी जरूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिक वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं, और जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल का काफी अच्छा प्लेयर है। तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इंपॉर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिक वर्ड है थैंक्स। थैंक्स का यूज बिजनेस में काफी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है, और बॉस के लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय को थैंक्स करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहते हैं और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जा रही है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया गया तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो यह भी गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेज करके खुश रखें। याद रखें कि एम्प्लॉय के बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू कीजिए, जहां पर सभी का कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जाता हो। कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिक वर्ड्स का यूज कीजिए, जो हैं यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प। ये सभी मैजिक वर्ड हैं। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आपको इनका यूज सही तरीके से करना सीखना होगा। नो का यूज तब जरूर कीजिए जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में पढ़ा कि नो का कम से कम यूज कीजिए, लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज जरूर कीजिए। किसी को अपना एडवांटेज मत लेने दीजिए, इसलिए जब जरूरत हो तब नो का भी यूज कीजिए। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए
आप रूबरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और आप हमसे क्या सुनना पसंद करेंगे।